हेलो फ्रेंड, माय चैनल सिटी इन ट्रेन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको श्रमिक कार्ड के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है कि श्रमिक कार्ड बना तो लेते हैं वो, पर उनको जानकारी नहीं रहती है। और जैसा लोग जैसा बोलते हैं वैसी बात मान लेते हैं कि श्रमिक कार्ड पे लोन मिलने वाला है या श्रमिक कार्ड पे बीमा होता है और उसमें हर खाते में हर महीने पैसे आएंगे, तो यह सब गलत है। श्रमिक कार्ड में ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, बाकी जो भारत सरकार द्वारा श्रमिक कार्ड बनाया गया है, इसका मतलब है मजदूरी, जो मजदूरी से अपना घर चलाता है, जो गरीबी रेखा के नीचे आता है, उसके लिए श्रमिक कार्ड बनवाना ज़रूरी है। यह एक पहचान पत्र के रूप में होता है। और दूसरी बात यह है कि श्रमिक कार्ड के बारे में बीमे की जो बात बोलते हैं सब, तो बीमा इसमें मिलता है, पर वह बीमा ऐसा रहता है कि अगर जो आदमी मर जाता है तो मरने के बाद उसके घर वालों को 3 लाख रुपए मिलते हैं। यह श्रमिक कार्ड में जो बीमा है इसमें जो फायदा यही है। इसके अलावा यह एक पहचान पत्र का काम करता है। बाकी जो भी बोलते हैं कि इस पे लोन मिलता है या फिर इस पे पैसे आते हैं श्रमिक कार्ड पे, तो यह सब गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको श्रमिक कार्ड बता रहा हूँ। ये देखिए, ये श्रमिक कार्ड है, ये श्रमिक कार्ड बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसमें सिर्फ पहचान पत्र रहती है और बीमा जो रहता है वह लाइफ टाइम बीमा रहता है, पर वह आदमी के मरने के बाद घर वालों को पेमेंट मिलता है। इसके अतिरिक्त इसमें श्रमिक कार्ड में कोई फायदा नहीं है।